नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को स्वास्तिक बनाने का सही तरीका बताने जा रही हूँ। हम जहाँ भी स्वास्तिक बनाते हैं, जिस भी दिशा में बनाते हैं, वो वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी को 108 गुना बढ़ा देता है। स्वास्तिक बनाने से पहले उस जगह को गंगा जल से साफ कर लेना चाहिए और गोली या चंदन से बनाना चाहिए। स्वास्तिक बनाने में अक्सर लोग प्लस की साइन का यूज करते हैं, जिसमें दो लाइन एक दूसरे को काटती होती हैं। देखिए, ये दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, जो कि सही नहीं है। अक्सर लोग ऐसे ही स्वास्तिक बनाते हैं। ये सही नहीं है। अब मैं दूसरा तरीका दिखाने जा रही हूँ, जिसे लोग यूज करते हैं। जिनका हाथ सेट होता है, वो डायरेक्ट स्वास्तिक बना देते हैं। इसमें भी दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, जो कि सही नहीं है। लाइन एक दूसरे को कट करेगी तो वो तरीका भी गलत है। और कुछ लोग तो पूरा ही गलत स्वास्तिक बनाते हैं। ये तो डायरेक्शन ही गलत होता है। अब मैं आपको सही तरीका दिखाऊंगी। अगर आप सभी ध्यान देंगे तो स्वास्तिक दो आकृतियों के योग से मिलकर बनता है। पहली आकृति दूसरी डिजाइन। अब मैं आप सभी को 9 डॉट्स से स्वास्तिक बनाना दिखाऊंगी। सबसे पहले हम सभी 9 डॉट्स बना लेंगे। देखिए, रोली से हम 9 डॉट्स बनाएंगे। उसके बाद श्वास को अंदर लेते हुए नीचे से ऊपर की ओर स्वास्तिक बनाना चाहिए। देखिए, नीचे से ऊपर की ओर लाइन ले जाएंगे। और सांस छोड़ देंगे। फिर हम अंदर श्वास लेते हुए नीचे से ऊपर की ओर स्वास्तिक बनाते जाएंगे। इसमें दो लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, जो सही तरीका है स्वास्तिक बनाने का। बाहर की तरफ हम थोड़ा थोड़ा लाइन निकाल देंगे। जनरली लोग स्वास्तिक बनाने के बाद 4 डॉट्स देते हैं, जिसमें थोड़ी सुधार की जरूरत है। सबसे पहले हम स्वास्तिक के बीच में एक डॉट देंगे, फिर हम दाएं हाथ की तरफ ऊपर की ओर डॉट देंगे, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट हम फिर दाएं हाथ की ओर नीचे की तरफ देंगे, फिर हम बाएं हाथ की ओर आएंगे और दोनों डॉट बनाएंगे। तो ये डॉट देने का सही तरीका है, ये स्वास्तिक बनाने का सही तरीका है। अगर आप सभी को लगता है कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।